अरविंद केजरीवाल को होना चाहिए इंडिया का लीडर और पीएम उम्मीदवार, आपने बताए कारण। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कर ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस ब्लॉक का लीडर होना चाहिए। साथ ही उन्होंने केजरीवाल को पीएम पद के उम्मीदवार के लिए उपयुक्त चेहरा बताया है। पार्टी की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कर ने कहा, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं चाहूंगी कि केजरीवाल पीएम पद के उम्मीदवार बने। इतनी कमर तोड़ महंगाई में भी दिल्ली में महंगाई सबसे कम है। मुफ्त शिक्षा, मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, फिर भी सरप्लस बजट पेश किया गया है। वह लोगों के मुद्दे उठाते हैं और एक चुनौतीकर्ता के रूप में उभरते हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को गठबंधन का नेता होना चाहिए क्योंकि वह लगातार भारत देश की भलाई के लिए लड़ रहे हैं। प्रियंका कक्कर ने कहा, आप पार्टी प्रवक्ता के रूप में बोलते हुए मैं अरविंद केजरीवाल को नामांकित करूंगी। उन्होंने एक मॉडल लागू किया है जिससे दिल्ली में न्यूनतम मुद्रास्फीति हुई है। 26 पार्टी इंडिया ब्लॉक की 2 मीटिंग हो चुकी है। कर्नाटक में दूसरी बैठक के दौरान गठबंधन को आधिकारिक तौर पर इंडिया नाम दिया गया। तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में होने वाली है। प्रियंका कक्कर ने कहा, केजरीवाल के विजन के तहत इंडिया मैन्युफैक्चरिंग तब होगा जहां लाइसेंस राज खत्म होगा, व्यापारियों को काम करने का माहौल मिलेगा, जहां शिक्षा उच्चतम स्तर पर होगी, बच्चे आविष्कार करने की सोचेंगे, पढ़ाई इस स्तर पर होगी कि विदेशी बच्चे डॉलर खर्च करके पढ़ने आएंगे। मोदी सरकार ने कुछ व्यापारियों के हजारों करोड़ रुपए माफ कर दिए, सोचिए इस पैसे से कितने राज्यों को मुफ्त बिजली मिल सकती है। हालांकि प्रियंका कक्कर के बयान पर दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने सफाई दी है। उन्होंने कहा, हर पार्टी चाहती है कि उनके नेता प्रधानमंत्री बने, आम आदमी पार्टी भी यही चाहती है कि हमारे नेता पीएम बने। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।